हेलो दोस्तों, माय नेम इज लोकेश नागर। वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन क्या है, अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? पृथ्वी शो हैं। इनके पहले सबसे पहले थे सचिन तेंदुलकर, जो 19 वर्ष के थे, लेकिन ये 18 वर्ष के हैं। तो सबसे पहले युवा बल्लेबाज अब कौन हो गए? पृथ्वी शो हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार लगातार 11वें साल सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी सभी जानते हैं, और किस कंपनी के चेयरमैन है ये? रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है ये। दूसरे स्थान पर कौन है? विप्रो के चेयरमैन दूसरे स्थान पर, उनका नाम क्या है? अजीज प्रेम जी दूसरे स्थान पर है। और फोर्ब्स पत्रिका की बात हुई है तो इसकी स्थापना हुई थी 1917 में है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और भारत की सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली कंपनी भी कौन सी है? रिलायंस ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चंदा कोचर को ICICI बैंक से इस्तीफा दे दिया है, और इसके साथ संदीप बख्शी को मुख्य कार्यकारी एवं प्रबंध निर्देशक घोषित कर दिया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, रेलवे के एग्जाम्स के लिए, कि किसको ICICI बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है, उसका नाम है संदीप बख्शी, और किसको हटा गया है? सबको पता है चंदा कोचर को हटाया गया है। और ICICI की अपन को फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए, इसका इसकी फुल फॉर्म में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और स्थापना कब हुई थी? करी गई थी 1955 में इसकी स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। दिवस का मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा, इम्पोर्टेंट जो दिवस है उनका वीडियो जल्दी बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? प्रथम स्थान दिया गया हरियाणा को, द्वितीय स्थान दिया गया गुजरात को, और तृतीय स्थान दिया गया है महाराष्ट्र को। किसको इसको दिया गया? पहला हरियाणा, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र को। इसमें दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 की बात कर रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिलों की बात करें तो महाराष्ट्र का सतारा जिला सर्वश्रेष्ठ है स्वच्छता के बारे में देखा जाए तो, और राज्य की बात करें तो वहां पे हरियाणा राज्य सबसे बेस्ट है। हरियाणा राज्य की बात हुई तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, CM है मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर है कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी, क्योंकि जो हरियाणा के जो प्लेयर्स है वो काफी खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ के लोग कप्तानी करते हैं, तो वैसे याद करते हैं कि वहाँ के जो गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी वहाँ के गवर्नर है। सूरजकुंड मेला कहाँ पे पड़ता है? एक वर्ल्ड फेमस है, कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और वेट टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? वह भी हरियाणा था। GST में प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में जो प्रथम स्थान है वह भी हरियाणा राज्य का ही है। पौधागिरी अभियान भी कहाँ चला गया था? ये हरियाणा में चला गया था। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश यह अभियान कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए चला गया था, यह भी कहाँ चला गया था? हरियाणा में। ये सारे करंट अफेयर्स हो गए। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं तो राष्ट्रीय खादी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? मुंबई में मनाया गया। और अगला क्वेश्चन देखें तो केंद्रीय के लिए पहुँच नामक विषय पर पहला क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? शिमला में किया गया। यह महिलाओं के न्याय उनकी सुरक्षा के लिए यह सम्मेलन किया गया है जो शिमला में हुआ है। 8वां क्वेश्चन, किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया? इंडोनेशिया के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया है। और इंडोनेशिया की बात हुई तो अपन को इंडोनेशिया की कैपिटल पता होना चाहिए जो कि है जकार्ता, वहाँ की मुद्रा है इंडो रुपया। 9वां क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? स्वच्छता ही सेवा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिमल्स रूबेला टीकाकरण अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने किया है? नागालैंड के लिए शुरू किया है। अब नागालैंड की बात हुई तो अपन को यहाँ के CM पता होना चाहिए, निफाई रियो यहाँ के CM है, गवर्नर है TR आचार्य, कैपिटल है कोहिमा। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत का पहले ग्लोबल स्किल पार्क का समर्थन करने के लिए 150 मिलियन ऋण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? किसने किए हैं वो समझौते पर हस्ताक्षर? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी की बात करते, स्थापना कब हुई थी, 1966 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में है, और किसकी राजधानी है, मनीला फिलीपींस के, पहले बता चुका हूँ। अध्यक्ष की बात करें तो कौन है यहाँ के, ताके हुकु नाकाओ यहाँ के अध्यक्ष हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल मिशन गंगा फॉर क्लीनिंग गंगा NMCG ने मिशन गंगे लॉन्च के लिए किसको साथ भागीदारी की है, वो की है TSAF, इसकी साझेदारी में साझेदारी करेगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। दोबारा पढ़ते इस क्वेश्चन को, मिशन नेशनल मिशन गंगा फॉर क्लीनिंग गंगा NMCG ने मिशन गंगे लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है, TSAF के साथ साझेदारी के लिए भागीदारी करी है। TSAF की फुल फॉर्म क्या है, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। इस मिशन का नेतृत्व कौन करेगी, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, कौन करेगी, बचेंद्री पाल इसका नेतृत्व करेगी। बचेंद्री पाल कौन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल है जो इसका नेतृत्व करेगी इस मिशन का। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये हरिद्वार से पटना तक ये मिशन चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का तीसरा पार्टनर कौन सा देश बनेगा, वो बनेगा सऊदी अरब, इसका पार्टनर बनेगा तीसरा पार्टनर। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट ने रबी की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी मंजूरी दे दी है रबी की फसल के लिए, ये याद रखना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितनी कितनी बढ़ोतरी करी, गेहूं में करी है 105 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर में करी है 225 रुपये प्रति क्विंटल, चने में करी है 220 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, 5 तारीख करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थैंक यू।